यस सर प्लीज थोड़ा क्लोज फिर सर हाथ लगा लो हाँ यस हमने सुन थैंक यू आजादी के इस मौके पर आप सब लोगों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासतौर पे प्रदीप चोपड़ा जी, दीपाली चोपड़ा जी, आप दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूं कि आपने आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम रखा, हकीकत में आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये बात सच है कि जिस परिवार में, जिस समाज में और जिस देश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा ना मिले, इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले, वो परिवार, वो समाज और वो देश तरक्की नहीं कर सकता। और आपने आज जिस तरीके से यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम रखा, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं बच्चों को भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बच्चों में एक टैलेंट है और इस टैलेंट को आगे लेकर जाइए, ये बच्चे देश का भविष्य हैं। हमारी इन बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वो कहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें उस तरफ प्रयास करना चाहिए, उस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए कि हम किस तरीके से महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे सकते हैं। कई बार हमने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखा कि किस तरीके से आज की तारीख में अपने आप को महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। मैं प्रदीप जी के साथ में बैठकर अभी उस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहा था कि मैंने इस तरीके के कार्यक्रम बनाए कि महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए एक निर्भय स्क्वाड का मैंने गठन किया है। तो मैं प्रदीप जी आपसे और दीपाली जी से दोनों से निवेदन करूंगा कि वो निर्भय स्क्वाड आप प्लीज उसका मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बनाएं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, हाउसवाइफ्स हैं। उसमें हम लोगों ने एक इस तरीके का कार्यक्रम किया है कि जिसको भी हम निर्भय स्क्वाड का मेम्बर बनाते हैं उसको फ्री पेपर स्प्रे, चिली स्प्रे हम लोग देते हैं, ताकि वो अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में हमेशा रखें और कभी भी उनको ऐसा महसूस हो कि उनके ऊपर इस तरीके से इज्जत पे या जान पे खतरा है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग महिलाओं के लिए रोज़ पटेल नगर का 2 नंबर स्कूल है गर्ल्स का, वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी हम लोग दिलवाते हैं, जहाँ पर 500, 600, 700, 800 मौसम के हिसाब से वहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए रोज़ आते हैं और पटेल नगर के ही बच्चे हैं और इसके मेंबर भी निर्भय स्क्वाड के पटेल नगर के रहने वाले ही बन सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ भी हमने टाइप किया है, उसकी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ, savemi.com/rajeshlilotia। आप अगर वेबसाइट भी खोलेंगे तो वहाँ पर ऑनलाइन मेम्बरशिप भी है, वहाँ पर मेम्बर बन सकते हैं आप। और उसमें हम लोगों ने एक इस तरीके का एग्रीमेंट किया है एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में कि हम आपसे, आपके परिवार के मम्मी पापा, हस्बैंड, ब्रदर जो खास हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इमरजेंसी के वक्त उन लोगों को मैसेज जाए कि आप खतरे में हैं, हम उनसे, आपसे 4 टेलीफोन नंबर लेते हैं और उसको सॉफ्टवेयर में फीड कर देते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप ऐसा लगता है तो वो जो हमारी मेंबर है वो अपने फ़ोन से सिर्फ एक बटन उसको दबाना है, वो चारों टेलीफोन के ऊपर मैसेज जाएगा कि आपकी सिस्टर, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी वाइफ खतरे में है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। उसके साथ साथ में हमने फिर पुलिस के साथ में भी एक टाइप किया है कि जब भी हमारे किसी सदस्य को ऐसी इमरजेंसी हो, ऐसी दिक्कत आए, तो वो उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल के अपनी कार्रवाई कर सकती हैं और जो इस तरीके के अपराध करने वाले लोग हैं उनको अपने शिकंजे में ले सकते हैं। तो ये कार्यक्रम है और मुझे लगा कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट
का ये कार्यक्रम है और इसके ऊपर मुझे इस चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी देना मुझे उचित लगा। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। प्रदीप जी, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप एक अच्छे समाज के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। आप इसी तरीके से काम करते रहिए। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं हमेशा एज अ ब्रदर ऑलवेज आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू एंड माई बेस्ट विशेज फॉर यू। थैंक यू।